कि नेता जो है वो बेलगाम हो जाता है, चुनाव उसके लिए मजबूरी होती है, इसलिए वो अंकुश में रहता है, महंगाई भी कम करता है और बार बार उसको जनता की अदालत में जाके जवाब देना पड़ता है। कि भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन करप्शन और वन नेशन वन कमीशन वाली पार्टी है, उन्होंने भ्रष्टाचार के सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं और वो चाहते हैं कि इस देश में ऐसी तानाशाह हुकूमत हो जिससे 5 साल तक कोई सवाल न पूछ सके। हम चुनाव में नेताओं की और पार्टियों की मजबूरी को जानते हैं। 3 काला कानून किसानों का, अगर उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो वापस नहीं होता। पेट्रोल डीजल के दाम बार बार मजबूरी में कम नहीं होते अगर बार बार चुनाव देश के अंदर नहीं होता। सिलेंडर के महंगे दाम बार बार घटाने और बढ़ाने नहीं पड़ते अगर देश में बार बार चुनाव नहीं होता। तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को पहले से कहा है कि नेता जो है वो बेलगाम हो जाता है, चुनाव उसके लिए मजबूरी होती है, इसलिए वो अंकुश में रहता है, महंगाई भी कम करता है और बार बार उसको जनता की अदालत में जाके जवाब देना पड़ता है। और इसलिए हम बात करते हैं वन नेशन वन एजुकेशन की। अरविंद केजरीवाल कहना चाहते हैं कि एक देश एक शिक्षा प्रणाली हो। अरविंद केजरीवाल कहना चाहते हैं कि एक देश और एक हेल्थ सिस्टम हो, देश में वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम का प्रावधान लागू किया जाए, उसके बारे में सरकार काम करे। और एक नकली बात कल से चलाई जा रही है, भाजपा ही कल से एक नकली प्रोपोगंडा खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव में पैसे बहुत खर्चे होते हैं, पैसे बहुत खर्चे होते हैं। किसको मूर्ख बना रहे हो? 43 कंपनियों का भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया है। 3,53,000 करोड़ रुपए, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतना पैसा माफ किया है। और कितना खर्चा होता है एक देश का चुनाव कराने में? 3,800 करोड़ रुपए, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। और कितना पैसा लेके अकेले नीरव मोदी भाग गया? 20,000 करोड़ रुपए। यानी पूरे देश का चुनाव 25 साल तक कराया जा सकता है उतने पैसे में जितना अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया। अब भाजपा ही मूर्ख बना रहे हैं। तो इसलिए इस देश को लोकतंत्र, इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को, भारत के संविधान को, बाबा साहब के संविधान को कुचलने और खत्म करने की कोशिश है ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात। और देश में तानाशाही लागू करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। महंगाई खूब बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार खूब बढ़ाएंगे, अडानी के झोली में भर भर के जमीन और संपत्ति डालेंगे और 5 साल तक उनसे कोई सवाल न पूछ सके, इसलिए वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। और पहली परीक्षा अगर वास्तव में तुम्हारे मन में चुनाव एक साथ कराने की है तो ये नवंबर में चुनाव करा दो ना, 3 राज्यों का एक साथ। दिल्ली का चुनाव कराओ साथ में, तुम 4 राज्य के चुनाव एक साथ करा नहीं सकते। हरियाणा में चुनाव हो रहा है तो कहां कहां के अधिकारी जाके ड्यूटी कर रहे हैं जाके पता करो। जम्मू कश्मीर का चुनाव हो रहा है तो कहां कहां के अधिकारी जाके ड्यूटी कर रहे हैं पता करो। तुम एक साथ पूरे देश का चुनाव करा दोगे? तो इसलिए ये, जैसा मैंने आपको कहा, इस देश के अंदर तानाशाही लागू करने की एक कोशिश है, महंगाई अथाह बढ़ाने की कोशिश है। 5,000 रुपए का सिलेंडर हो जाएगा, 500 रुपए का टमाटर हो जाएगा, लोग चिल्लाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, चुनाव होगा नहीं, दबाव होगा नहीं, जैसे चाहेंगे वैसे सब कुछ करते जाएंगे देश में। इसलिए ये इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम की हिमायत अरविंद केजरीवाल जी और हम लोग करते हैं।